कंपनी का बदला। अमोलगढ़ एक बहुत ही हंसता खेलता गांव था, जहां हमेशा खुशियां ही छाई रहती थीं। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यहां मौत का तांडव शुरू हुआ। गांव की सीमा पर एक आदमी की लाश मिली थी। हाय मेरे पति, हाय, अब मैं किसके भरोसे जीऊंगी, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हाय। गांव वाले इस झटके से उभरे ही थे कि अगले दिन दूध वाली की भी लाश गांव की सीमा पर मिली। हाय मेरी बेटी, भरी जवानी में इसे ये क्या हो गया, इसकी किससे दुश्मनी थी, कितनी बेरहमी से इसे मारा है। फिर दो दिन बाद रामनिक लाला देर रात में गांव आ रहे थे कि अचानक उसके सामने एक चुड़ैल खड़ी हो गई। लाला तू तो गया। चुड़ैल ने लाला की गर्दन मरोड़ दी और जोर जोर से हंसने लगी। और फिर हर दिन गांव वालों को किसी न किसी की अर्थी उठानी पड़ती थी, इसलिए बड़े बुजुर्गों ने बैठक बुलाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारे गांव को ये क्या हुआ है। मुझे तो लगता है कि गांव को कोई श्राप लगा है, ऐसे कैसे कोई ना कोई रोज मर सकता है, कुछ तो बहुत बुरा हुआ है। पर क्या? इसके बारे में सिर्फ पहाड़ी वाले अघोरी बता सकते हैं, हमें उन्हें यहाँ बुलाना ही होगा। अब और कोई रास्ता भी नहीं है, गांव वालों को बचने के लिए उन्हें बुलाना ही होगा। सरपंच के कहने पर पहाड़ी वाले अघोरी को गांव में बुलाया गया। महाराज आप तो जानते हैं कि आजकल गांव में क्या अनर्थ हो रहा है, रोज रोज गांव वालों की अर्थी देखी नहीं जा रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ये पूरा गांव शमशान बन जाएगा। अब आप ही हमारी मदद कीजिए। ये एक भूतनी है। भूतनी? हाँ, लेकिन ये तुम गांव वालों को अपना शिकार क्यों बना रही है ये तो बस वही बता सकती है। तुम मेरी पूजा की तैयारी करो। अघोरी के कहने पर पूजा की तैयारी शुरू की गई और अघोरी वाला अपने मंत्र पढ़ने बैठ गया। ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम क्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम क्रीम क्रीम, ओम भ्रीम 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 भ्रीम, ओम भ्रीम क्रीम, ओम भ्रीम क्रीम। सूरज ढला और अघोरी ने मंत्रों के साथ साथ अपनी पूजा आरंभ की और फिर जोर से आंधी चलने लगी। पेड़ की टहनियां हिलने लगी, पूजा की ज्वाला भड़क गई और अचानक सबके सामने वो चुड़ैल आ गई। मुझे क्यों बुलाया अघोरी, अपने नाश के लिए? मेरा नाश सिर्फ वो महादेव कर सकते हैं, तुझ जैसी भूतनी नहीं। ऐसा बोलते हुए अघोरी ने आग में भस्म डाली और भूतनी चटपटा उठी। बता तू क्यों इन भोले भाले गांव वालों को मार रही है? ये भोले भाले नहीं है, सब के सब पापी हैं। कौन सा पाप किया है इन्होंने? आज मैं भूतनी इन सब की वजह से बनी हूँ, इन लोगों ने मुझे भूतनी बनाया। मेरा नाम कला था, जब मैं इस गांव में शादी करके आई थी तो बहुत खुश थी, इन्हीं गांव वालों ने मेरा स्वागत किया था। फिर कुछ दिनों बाद मेरे बालों में जटा आ गई, मेरे ससुराल वाले डर गए, गांव में बातें होने लगी कि मैं चुड़ैल हूँ। मैं जिस रास्ते जाती लोग मेरे बारे में ही बातें करते थे। फिर एक दिन मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं कहाँ जाऊंगी, आपके अलावा मेरा है कौन? मैं गिड़गिड़ा रही थी पर मेरे पति ने मेरी एक न सुनी।
मैं इन गांव वालों से मदद मांगने गई, लेकिन इन लोगों ने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने सोचा कि कम से कम मेरे अपने घर वाले मुझे अपनाएंगे, लेकिन मेरे माता पिता ने भी मुझे घर से भगा दिया। जब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा तो मैंने गांव की सीमा के पास वाली पर्वत से कूदकर जान दे दी। और बस तब से मैं भूतनी बन गई। कला, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई है, पर जो तुम कर रही हो वो भी इंसाफ नहीं है। मेरी मौत के कारण ये गांव वाले थे, इसलिए मैं इन सबको मार दूंगी। नहीं कला, ये गलत है। जीवन देना या लेना वो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ होता है। अगर तुमने इनमें से किसी की भी जान ली तो तुम भी पाप ही करोगी। फिर क्या फर्क रह गया इन गांव वालों में और तुम में? अघोरी की ये बात भूतनी सोचने लगी। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हारे साथ जो हुआ वो तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन कला, मैं तुम्हें मुक्ति जरूर दिलवा सकता हूँ। ठीक है, मेरा इस दुनिया से आजाद हो जाना ही सही होगा। अघोरी ने कला को मुक्ति दिलवाने की पूजा आरंभ कर दी। जैसे ही अघोरी की पूजा समाप्त हुई, भूतनी धीरे धीरे आकाश में समा गई। अघोरी की वजह से कला को मुक्ति मिल गई और गांव वालों की भी जिंदगी बच गई। कपिल और जनक शहर की बड़ी फैक्ट्री में लोडर का काम किया करते थे। दोनों महीने भर मजदूरी करके जो पैसा कमाते थे वो अपने परिवार को घर भेज दिया करते थे। रेखा, पैसे मिले क्या? हाँ जी, मिल गए। अब कल ही मुन्ना की स्कूल की फीस भर देती हूँ। हाँ हाँ, और पैसे थोड़े संभाल के खर्च किया करो। आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं पैसे उड़ा देती हूँ। वो पिछले महीने अगर मुन्ना बीमार ना होता तो स्कूल की फीस का इतना टेंशन नहीं होता। ठीक है ठीक है, और माँ कैसी है? जैसे आप छोड़कर गए थे वैसी ही है। अच्छी बात है, चलो अब जनक आ गया है। ठीक है। ये देख, आज बहुत दिनों बाद मैं क्या लाया हूँ। क्या? मुर्गी। वाह, इतने दिनों बाद तेरे हाथों से बनी मुर्गी खाने को मिलेगी। लेकिन मैं अकेले नहीं पकाऊंगा, तुझे भी मेरी मदद करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। कपिल और जनक शहर में काम करके एक साथ बहुत खुश थे, उनका परिवार भी सुखी था। लेकिन फिर देश में कोरोना नाम की महामारी आ गई और हर जगह लॉकडाउन घोषित कर दिया गया। कपिल और जनक दोनों चिंतित हो गए। अब क्या होगा भाई, लगता नहीं है कोरोना जल्दी खत्म होगा। 15 दिन हो गए यूं ही बिना काम के घर में बैठे हुए। ऐसे ही चलता रहा तो हमारे खाने पीने के भी वांदे हो जाएंगे। हाँ, बिना काम के इस कमरे का किराया कैसे देंगे? मैं तो सोच रहा हूँ हमें अपने गांव लौट जाना चाहिए, पर कैसे जाएंगे? बस तो बंद है। मेरा वो दोस्त था ना लल्लन, वो तो अपने घर भी पहुंच गया कल, पर कैसे गया वो घर? चलकर 200 किलोमीटर। हाँ, और कोई रास्ता थोड़ी है। मुझे लगता है हमें भी गांव चले जाना चाहिए। मुझे भी यही लगता है। दोनों ने अपना सामान बांध लिया और रास्ते के लिए उनके पास जो भी खाने पीने का सामान था वो भी रास्ते के खाने के लिए बांध लिया और बस अपने गांव लौटने का सफर शुरू कर दिया। पहले दिन से रात हो गई, वो लोग चलते चलते थक गए और एक मंदिर के बाहर उन दोनों ने आश्रय लिया। साथ लाया हुआ खाना खाया और वहीं सो गए। अगले दिन दोनों ने वापस सफर जारी रखा।
आज धूप बहुत थी और वो लोग शहर के बाहर पहुंच चुके थे। अब कल सुबह तक हम लोग अपने घर होंगे, अच्छा है ना? लेकिन आज रात इस जंगल में कहां रुकेंगे? देखते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही जाएगा। जनक और कपिल जंगल में चलते रहे और अंधेरा होने लगा। तभी जनक की नजर जंगलों के बीच एक वीरान घर पर गई। वो देख, हमारा रात गुजारने का आशय। लेकिन भाई, ये घर बहुत डरावना लग रहा है। तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ रुकना चाहिए? देख भाई, मुझे और कोई छत दिखाई नहीं दे रही। जंगल के जानवरों का शिकार होने से अच्छा है कि हम इस घर में रहें। बस ऐसा बोलकर जनक घर की ओर चलने लगा और फिर कपिल भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। घर के दरवाजे के पास एक बोर्ड था। चेतावनी, अंदर जाना मना है। भाई, लगता है अंदर कोई खतरा है, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अरे मूर्ख, घर को चोर लुटेरों से बचाने के लिए ऐसा लिखा होगा। तू चल, फिकर मत कर। जनक ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। कपिल डरते हुए अंदर दाखिल हुआ। अरे वाह, ये घर नहीं महल है। देखा, मैंने बोला था ना कि चोरों से घर का सामान बचाने के लिए वो बोर्ड लिखा था। कपिल अभी भी डरा हुआ था। उसे ये घर कुछ अजीब लग रहा था। इन दोनों ने वो रात उसी घर के हॉल में काटने की सोची। नीचे बिछे हुए कालीन पर वो लोग सो गए। जनक को तो तुरंत नींद आ गई, पर कपिल सोचता रहा। ये घर जंगल के बीच है, यहाँ सफाई वगैरह कौन करता होगा? यहाँ कोई रहता है क्या? ऐसे कई ख्याल कपिल के दिमाग में आते रहे। आखिर कुछ घंटों बाद कपिल को नींद आ गई। पर रात के लगभग 2 बजे हवाएं तेज बहने लगी, खिड़कियां दरवाजे पटकने लगे और एक रोशनी के साथ एक भूतनी उस घर में प्रकट हो गई। हंसी सुनकर कपिल और जनक दोनों उठ गए और डर से कांपने लगे। जब उन दोनों ने भूतनी को देखा तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। बाहर लिखा बोर्ड पढ़ा नहीं क्या? अंदर आना मना है। ये मेरा घर है और मुझे इंसान पसंद नहीं। अब तुम दोनों को सजा मिलेगी। भूतनी ने जनक और कपिल को हवा में उठा लिया। दीदी, माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हम यहाँ मजबूरी में आए थे। कैसी मजबूरी? जनक और कपिल दोनों ने उसको अपनी दास्तान सुनाई। इस घर से बाहर निकलो। भूतनी ने दरवाजा खोला। तुम्हारी मजबूरी है, इसीलिए तुम्हें जिंदा छोड़ रही हूँ। आइंदा यहाँ दिखे तो जिंदा नहीं बचोगे। कपिल और जनक दोनों अपना सामान समेट के दरवाजे के बाहर भागने लगे। भूतनी ने दोनों को बख्श दिया, इसीलिए वो लोग अगले दिन जिंदा अपने गांव पहुंच पाए। बाल बाल बच गए। भूतिया फ्लैट नालंदा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के ए विंग के टॉप फ्लोर पे रूम नंबर 403। ये वो कमरा है जहां अक्सर लोगों को किसी के हंसने की रोने की आवाज आती है। एक दिन पड़ोसी ने सोच लिया कि वो पता लगाएगी कि आखिर ये आवाज किसकी है। लेकिन जैसे ही पड़ोसी ने खिड़की से झांका तो उसकी चीख निकल गई। ये औरत का
भूत जोर जोर से हंस रहा था। पड़ोसन वहीं बेहोश हो गई। उसे जब होश आया तो उसने अपने पति को रोते रोते सब कुछ बता दिया। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, उस फ्लैट में भूत है। चलिए आज ही हम अपने दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है जैसा तुम बोलो। पड़ोसन अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ से चली गई। इस औरत का भूत और कई लोगों को दिखा। जो रेंट पे रहते थे उन्होंने भी घर खाली कर दिया। अब टॉप फ्लोर पे सिर्फ लोकेश नाम का एक इंसान रहता था। उसे ये भूत कभी दिखा ही नहीं क्योंकि वो नाइट शिफ्ट में काम करता था। शाम को 7 बजे चला जाता था और सुबह 8 बजे घर लौटता था। भाई लोकेश, तुमसे मुझे एक बात पूछनी है। जी बोलिए। क्या ये सच है कि उस फ्लैट में किसी औरत का भूत है? मुझे कैसे पता होगा, मैं तो रात भर गायब रहता हूँ। लेकिन अगल बगल वाले तो यही बोलते हैं। तुम्हारी एक मदद चाहिए। जी बोलिए। सेक्रेटरी ने लोकेश को अपनी योजना बताई। शाम को लोकेश काम पे जाते हुए सेक्रेटरी को अपने रूम की चाबी दे गया और फिर सेक्रेटरी ने किसी को कॉल किया। वो इंसान अपनी कार लेकर वहाँ आया। सिन्हा जी, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। ना हो तो और भी अच्छा, पर कई लोगों ने देखा है। सेक्रेटरी और सिन्हा दोनों ने लोकेश का रूम खोला और वो ड्राइंग रूम में इंतजार करते हुए बैठ गए। लगभग रात के 12 बजे थे जब उन्हें अचानक रोने की आवाज सुनाई दी। दोनों चौंक गए। वो लोग फ्लैट से बाहर निकले और फ्लैट नंबर 403 की खिड़की के बाहर आए। उन दोनों ने अंदर झांका तो वहाँ एक औरत का भूत कूट कूट कर रो रहा था। लेकिन अगले ही पल वो भूत चिल्ला कर खिड़की की ओर आई। सिन्हा जी वहीं बेहोश हो गए। फिर वो भूत गायब हो गई। सेक्रेटरी सिन्हा जी को उठाकर लोकेश के फ्लैट में ले गए। वहाँ उन्होंने सिन्हा जी के चेहरे पर पानी मारा। भूत, भूत। हाँ, मैंने भी देखा, लेकिन वो गर्भवती औरत है कौन? माया, वो माया है। ये बिल्डिंग नई नई बनी थी, मेरे दोस्त की बेटी थी वो माया, जिसने मुझसे ये फ्लैट रेंट पे लिया था कुछ महीनों के लिए। लेकिन 1 महीने बाद ही माया का एक एक्सीडेंट हो गया और वो मर गई, और उसके पति ने ये शहर छोड़ दिया। मतलब ये सब हमारे यहाँ आने से पहले शुरू हुआ था। फिर आपने ये फ्लैट किसी को रेंट पे क्यों नहीं दिया? दिया था, पर वो बंदा भी भाग गया। उसके बाद से 2 साल से उस फ्लैट में कोई नहीं रहता। मुझे नहीं पता था कि इस फ्लैट में माया का भूत होगा, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकती है। सेक्रेटरी और सिन्हा जी योगिनी के घर गए। योगिनी एक मीडियम है जो भूत प्रेतों से बातें कर सकती है। दोनों ने योगिनी को माया के भूत के बारे में बताया। जरूर माया की कोई इच्छा अधूरी रह गई होगी, इसीलिए उसका भूत अब तक उस फ्लैट में है। पर बात क्या है ये वो अब माया ही बता सकती है। अगली रात सेक्रेटरी और सिन्हा जी योगिनी का इंतजार कर रहे थे। योगिनी वहाँ आई और वो 4th फ्लोर पे गए। सिन्हा जी ने योगिनी को फ्लैट की चाबी दी और वो दोनों लोकेश के फ्लैट में बैठ गए। योगिनी अकेले फ्लैट के अंदर गई और उसने अपनी पोटली से कुछ नमक निकाला और नमक से एक गोला बना लिया। फिर उसके आसपास 5 और गोले बन गए और सभी गोलों में अलग अलग रंग के पत्थर रख दिए। फिर योगिनी बैठकर ध्यान करने लगी। काफी समय तक योगिनी ध्यान कर रही थी।
फिर अचानक उसे रोने की आवाज सुनाई दी। योगिनी ने अपनी आंखें खोली। माया, मैं जानती हूँ तुम यहाँ हो, मेरे सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। माया का भूत योगिनी के सामने बैठ गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारी मदद करने। तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। मेरे अलावा तुम्हारी मदद और कोई नहीं कर सकता। तुम मुझे तुम्हारी प्रॉब्लम बताओ, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगी, ये मेरा वादा है। मेरा नाम तो तुम जानती हो, माया। मेरे पति का नाम मयंक है। मयंक और मैं इस घर में बहुत खुश थे। हम दोनों ने कितने सपने देखे थे कि हम हंसी खुशी रहेंगे, एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। लेकिन उस दिन बाजार में उस ट्रक ने हमारे सपने तोड़ दिए। मैं मयंक को देखते देखते मर गई और हमारे सारे सपने अधूरे रह गए। पर यही तुम्हारे नसीब में लिखा था माया। हो सकता है, पर मयंक उसका क्या, उसने अभी तक शादी नहीं की। मैं चाहती हूँ कि वो शादी कर ले और हमारे सारे अधूरे सपने पूरे करे। मैं मयंक के पास जाऊंगी और उससे बात करूंगी, पर तब तक तुम किसी को भी कोई तकलीफ नहीं दोगी, ये वादा करो। अगली पूर्णिमा को मैं मयंक को यहाँ ले आऊंगी। मैं वादा करती हूँ। अगली पूर्णिमा को मयंक और योगिनी वापस फ्लैट 403 में आए और साधना के कुछ ही देर में माया वहाँ आ गई। मयंक को अपने सामने देख कर वो रो पड़ी। मयंक, माया, रो मत मयंक, रो मत, तुमने बहुत रो लिया, अब तुम्हें हमारे अधूरे सपने पूरे करने हैं। नहीं माया। मयंक, जब तक तुम शादी करके खुश नहीं रहते, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तुम्हें शादी करनी ही होगी। माया, नहीं माया। मयंक ने माया को वादा किया कि वो दूसरी शादी कर लेगा।